तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको इसकी वॉइस क्वालिटी सुनाने वाला हूँ, क्योंकि भाई अब तक की जो हमारी वीडियो बन रही थी ना भाई, बोया BYM1 से बन रही थी, लेकिन आज की जो हमारी स्पेशल वीडियो है वो इससे रिकॉर्ड हो रही है, इस वाली माइक से। आप थोड़ी सी क्वालिटी देख सकते हैं इंक्रीज हुई है, और मैं थोड़ी सी और क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ, हम इसमें इको वगैरह कैसे बना सकते हैं। ये देखिए, हेलो 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 हेलो, 1 2 3 4, कितना मतलब मज़ा आ रहा है भाई। तो हेलो हेलो हेलो, मैं अगर जो इस तरह की क्वालिटी दूंगा तो शायद आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे कि भाई मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि थोड़ा सा हमें इको कम करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इको ज़्यादा हो रही है। ये मतलब माइक अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, यहाँ से नीचे से भी और ऊपर से भी। ओके, हेलो 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 हेलो, इसमें भी थोड़ी सी इको हो रही है। ये इस तरह की जो इको वाली वॉइस होती है, थोड़ा सा जो म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं बेसिकली, वो यूज़ करते हैं इस तरह की वॉइस को। हेलो 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 हेलो, इसमें भी इको हो रही है, तो थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ अपने हिसाब से। हेलो 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 हेलो, ये मेरे को ज़्यादा सही लग रही है। इसमें यह है कि हमारी वॉइस एकदम क्लियर हो रही है, और साथ ही साथ मतलब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर इतना इको भी नहीं हो रही है। तो ये माइक भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा था, उस जब से मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है, अब तक इससे एक भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की है। लेकिन अब नेक्स्ट वीडियो आपको इसी क्वालिटी की मिलने वाली है। इसको थोड़ा और सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कान में भी सुन पा रहा हूँ, जो मैं आपको सुना रहा हूँ ना भाई, वो मेरे को कान में भी मेरे को उसकी वॉइस आ रही है, ताकि मैं मतलब कोई वॉइस ऊपर नीचे हो तो मैं यहाँ से अपने सुन के उसको मैनेज कर सकूँ। अब मैं आपको बता रहा था कि मैं अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएंगी वो इसी माइक से आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा एक तो एक्सपेंसिव है माइक, और अगर आपको भी बाय करना है तो भाई लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर के आप बाय कर लेना। बहुत अच्छा माइक है यार, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आई होप आप इस फील को समझ रहे होंगे कितना। कभी मेरी पुरानी वीडियो चेक करना, और अब ये जो इस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रही है ये वाली वीडियो आप चेक करना, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिख जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, जब हम YouTube पे वीडियोस बनाने शुरू करते हैं ना, तो भाई हमें लगता है कि यार हमने सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए YouTube से रिलेटेड, अब क्या करें। मतलब बहुत लोगों के मन में ये माइंड में ये बात आती है, भाई मेरे माइंड में भी आती थी। लेकिन मैंने क्या किया, जब मैंने यूट्यूबर्स को फॉलो करना शुरू किया, और मैं क्या करता हूँ, मतलब ये मतलब ऑलरेडी होता है कभी कभी किसी किसी के माइंड में, बहुत लोगों के होता है, जब एक चीज़ को हम देखना शुरू कर देते हैं ना, जैसा मैं किसी भी यूट्यूबर की वीडियो देखना शुरू कर दूँ तो मुझे वहाँ से 2 टॉपिक्स और एडवांस मिल जाएंगे। तो मैं इस तरह से अपने टॉपिक्स को फाइंड करता हूँ। मतलब हमारा जो माइंड है ना, थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए ऑलवेज। आप चाहे कहीं चल रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, किसी को देख रहे हो, तो मतलब आपका ना जिस लाइन में आप हो उससे रिलेटेड आपके माइंड में ऑटोमेटिकली आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि भाई हम हर रोज वीडियो डालें, या हर रोज 1 या 2 वीडियो डालें, या हर रोज हम 3 वीडियो डालें, या 1 वीडियो डालना जरूरी नहीं है भाई। आज मैं आपको एक ऐसे चैनल से रूबरू कराने वाला हूं भाई, जो 1 वीडियो नहीं डालते, वीक में 1 वीडियो डालते हैं, उसके बाद भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधा अपने लैपटॉप के डिस्प्ले पर, और मैं आपको दिखाता हूं भाई मैं किन की बात कर रहा हूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं दीपक दहिया 2.0, इनके जो सब्सक्राइबर है 1,24,000। और मैं आपको बता दूं, इनका एक चैनल और है दीपक दहिया के नाम से, जिसके 2.97 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं भाई, ये जो चैनल इन्होंने बहुत कम टाइम में खड़ा किया है, चलो इसका अबाउट सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई 2020 में इन्होंने 2020 में इन्होंने शुरुआत करी थी नवंबर में, ठीक है। और मतलब ये 21 में ही मान लो यार, नवंबर तो पूरा बस एंड ही चल रहा था यार लगभग, है ना। तो अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी वीडियोज़ की, मैंने इनकी वीडियोस देखी और इनको मैं फॉलो भी करता हूँ, और बहुत अच्छा कंटेंट भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। इनकी मेरे को सबसे अच्छी लगती है वॉइस क्वालिटी एक नंबर है भाई, मज़ा आ जाता है इनकी वॉइस को सुन करके। और काफ़ी मतलब बहुत आराम से बताते हैं, काफ़ी डीपली डिटेल के साथ बताते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ भाई, ये डेली वीडियो नहीं डालते हैं ये भाई, वीक में 1 वीडियो डालते हैं, लेकिन अच्छे कॉन्टेंट के साथ डालते हैं। उसका एडिटिंग, उसका वॉइस क्वालिटी एक नंबर होता है, जिस वजह से लोग आज इनको देखते हैं भाई। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई हम 1 हफ्ते में 1 वीडियो डालें तो हमारी वीडियो नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं भाई, 3 दिन पहले डाली थी, 54K व्यूज हैं इस पर, और उससे 2 वीक पहले डाली थी व्लॉग की वीडियो जिसपे 19,000 व्यूज हैं, और उससे पहले 3 वीक्स पहले डाली थी इन्होंने जिसपे 32
1000 उस पे व्यूज हैं, और एक महीने पहले डाली थी भाई 54,000 व्यूज हैं। मतलब लगभग ये है कि हाँ इन्होंने काफी काफी मतलब वन वन वीक के गैप में अपनी वीडियो डाली हैं, लेकिन व्यूज फिर भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। क्यों? क्योंकि भाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर हम भी इस तरह से क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने लगेंगे, या आप भी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाने लगेंगे विद प्रोफेशनल एडिटिंग एंड प्रोफेशनल ऑडियो क्वालिटी, तो भाई लोग आपको भी देखना पसंद करेंगे। मैंने एक चीज नोटिस करी है इनकी वीडियो के अंदर, जैसा इनकी एक वीडियो पे लिखा हुआ है ऐसे थंबनेल फोन से, या यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब के चौंका देने वाला सच, या यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहला जो अब इनकी लास्ट वीडियो 3 दिन पहले की, शॉर्ट्स बनाने से पहले ये देखो। मतलब इस तरह के जो इन्होंने जो थंबनेल लिखा हुआ है, हमने पहले भी इन वीडियो को देखा हुआ है किसी और यूट्यूबर के थ्रू, लेकिन इसको हमने फिर से देखा, चलो देख लेते हैं। क्यों देखते हैं लोग जो चीज हमें पता है ऑलरेडी, हम फिर भी उस चीज को क्यों देखते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी कंटेंट है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके अंदर वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी वॉइस क्वालिटी अच्छी करोगे, या आपका जो कंटेंट है उसको अच्छा करोगे, आपकी जो एडिटिंग है उसको अच्छा करोगे, तो भाई लोग आपको, चाहे लोगों को उस बारे में कितनी बार बताओ, चाहे डीपली नॉलेज हो, लेकिन फिर भी लोग उसको देखना पसंद करेंगे सिर्फ और सिर्फ एडिटिंग की वजह से। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह का कंटेंट बना रहे हो और आप चाह रहे हो कि भाई व्यूज नहीं आ रहे हैं, और ऐसा मेरे साथ भी होता है भाई, व्यूज नहीं आते और कहीं ना कहीं डीमोटिवेशंस आती हैं, लेकिन भाई अब धीरे धीरे सेटअप तैयार हो गया, वॉइस क्वालिटी पे थोड़ा सा अभी वर्क कर रहा हूँ, धीरे धीरे ये है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होता जा रहा है भाई, क्वालिटी में भी व्यूज में भी मैं देख रहा हूँ। पहले मेरा जो ऑडियंस रिटेंशन था वो बहुत कम आता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टूडियो लॉन्च करा तो भाई ऑडियंस रिटेंशन भी अच्छा हो गया मेरा, पहले से बेहतर हो गया भाई। व्यूज पढ़ाई कम हो गया हो या मतलब उतने ही है एवरेज, मतलब उतने ही है जितने मेरे पहले थे, लेकिन मेरा यह है कि ऑडियंस जो रिटेंशन है वो मेरा अच्छा जा रहा है यार। मतलब मेरी अगर जो 4 मिनट की वीडियो है या 5 मिनट की वीडियो है, 2 मिनट से ऊपर का उस पर ऑडियंस रिटेंशन रहता है। क्यों? क्योंकि भाई सेटअप लोगों को दिखता है, क्योंकि आज के टाइम में मार्केट में भाई जो दिखता है ना वो बिकता है दोस्तों।